आज जो हम जिस चैप्टर पे बात कर रहे हैं वो ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर नंबर 14th है, जिसका नाम है मोटिवेट योर सेल्फ इंटू एक्शन, है ना। एक्शन को मैंने आपको डिफाइन करने की अगर कोशिश करूँ तो एक्शन का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। किसी खास पर्पस को ध्यान में रखते हुए जब आप एक्शन में होते हैं, जब आप एग्जीक्यूशन किसी चीज़ पे करते हैं, उसको आप एक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ों में एक्शन में होने के लिए, मतलब किसी भी काम को पर्पसफुल फिनिश करने के लिए अपने आप को जो मोटिवेट करते रहते हैं आप, उसी को कहा गया है मोटिवेट योर सेल्फ इंटू एक्शन। गॉट माय पॉइंट? इस हेडिंग का मतलब यही हो गया, एक्शन को डिफाइन कर दिया, एक्शन क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि अपने आप को मोटिवेट करना है किस लिए, तो उस एक्शन में बने रहने के लिए। बहुत लोग होता है ना कि एक्शन में आते ही नहीं है, और एक्शन में आते भी हैं तो 2 दिन काम करते हैं फिर बाद बाकी छोड़ देते हैं। तो कहना इनका ये है कि आप कंटिन्यूअसली जब तक पर्पसफुल जो काम कर रहे हैं वो खत्म ना हो जाए तब तक अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। ये इस हेडिंग का मीनिंग है। उसके बाद इसके नीचे में एक स्टेटमेंट है। ये जो राइटर है, जो इस स्टेटमेंट के राइटर हैं, जिसने ये स्टेटमेंट बताया है, उसका नाम है एंटोन द सेंट एस्परी। इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति फ्रांस का है, ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। असल में ये बहुत बड़े राइटर हैं फ्रांस के, ठीक है, राइटर थे ये फ्रांस के। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट, इट इज इन द कंपेलिंग जेस्ट, इट इज इन द कंपेलिंग जेस्ट ऑफ हाई एडवेंचर एंड ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ क्रिएटिव एक्शन दैट मैन एंड वुमेन फाइंड्स हिज सुप्रीम ज्वाइस। देखिए, किसी भी पुरुष या महिला को जो सुप्रीम आनंद, सुप्रीम ज्वाय, उच्च कोटि का जो आनंद प्राप्त होता है, वह तब प्राप्त होता है जब उनमें प्रबल उत्साह होता है। कंपेलिंग जेस्ट मतलब प्रबल रूप से उत्साहित होता है वो, किस लिए, तो हाई लेवल का एडवेंचरस काम करने के लिए। जब मैं एडवेंचरस काम करने की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो डेंजरस हो, साथ ही साथ एक्साइटिंग काम हो, तो ये एडवेंचर का मतलब होता है। साथ ही साथ विक्ट्री के लिए वो बहुत ही उत्साहित हो, प्रबल रूप से उत्साहित हो विक्ट्री के लिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस इन विनिंग ए बैटल, गेम एंड कंपटीशन। जब आप किसी बैटल में हो, किसी गेम में हो या किसी कंपटीशन में हो, उसमें जो आप विजय प्राप्त होते हो और उस विजय प्राप्त होने से जो आपको सफलता प्राप्त होती हो, इसकी बात यहाँ पे विक्ट्री के रूप में कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो सक्सेस है और जो विनिंग है, दोनों में अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप विनर तो होते हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप लूजर तो होते हो लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हो, है ना। कई बार ऐसा भारत के और वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध में वो विनर तो रहा है लेकिन जिस पर्पस के लिए युद्ध को लड़ा जा रहा है वो पर्पस उसका फेल हो जाता है, वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है, इसका मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो इट मीन्स दैट कि इन बैटल यू आर द विनर एज वेल एज उस विनर में जीतने के बाद भी आपको जिस पर्पस के लिए युद्ध लड़ा था उसमें आपको सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए विक्ट्री का मतलब होता है कि सक्सेसफुल इन विनिंग ए बैटल, गेम एंड कंपटीशन, ये विक्ट्री होता है। मतलब आपको अपने को विक्ट्री के लिए जो एक प्रबल उत्साह होना चाहिए वो भी आप में होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है ऑफ क्रिएटिव एक्शन, कि आपको क्रिएटिव एक्शन के लिए भी बहुत ही प्रबल रूप से उत्साहित होना चाहिए।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन, मैंने डिफाइन किया, एक्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करना और वह काम आपका पर्पसफुल होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण काम को करना, इसको हम एक्शन बोलते हैं। और जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव का मतलब होता है कि वो आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए, अनयूजुअल आइडिया होना चाहिए, आपके इमेजिनरी पावर को यूज करके, आप अपने इमेजिनरी पावर को यूज करके तब जब उस काम को करते हो तो उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। तो क्रिएटिव एक्शन मतलब ये है कि आपको हाई लेवल के एडवेंचर, हाई लेवल के विक्ट्री और क्रिएटिव जो एक्शन होता है, इन तीनों चीज़ों को लेकर को जो आपके अंदर एक प्रबल उत्साह होता है, उस उत्साह में ही, इन तीनों चीज़ों को लेकर के जो प्रबल उत्साह होता है, उसी पे आपका जो सुप्रीम लेवल ऑफ इंजॉयमेंट होता है वह डिपेंड करता है। यह बात इस राइटर का कहना है, जो राइटर का नाम है एंटोन द सेंट एस्परी, जो फ्रेंच राइटर है। क्लियर हुआ ये बात? उसके बाद का जो ये लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, टू परफॉर्म एट योर बेस्ट यू मस्ट बिकम योर ओन पर्सनल चीयर लीडर। अगर आपको अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करना है, अगर आपको अपने बेस्ट लेवल पे अगर आपको परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपना चीयर लीडर स्वयं का बनना होगा। क्या मतलब होता है चीयर लीडर का, इस चीज को याद रखिएगा। मैं वो आईपीएल मैच जो होता है उसमें जो चीयर गर्ल और चीयर बॉय होता है उसकी बात नहीं करता, ये चीयर लीडर की बात करते हैं। चीयर लीडर का मतलब होता है कि आपका जो अपना आइडिया है, आपका जो अपना प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे आप अडिग हो, उस प्लानिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, और इतना ट्रस्ट है, इतना अडिग है अपने प्लानिंग, अपने आइडिया पे कि लोगों को, दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर लेते हो, दूसरे लोगों को भी परसुएड कर लेते हो, और उन हजारों लाखों लोगों से अपनी बात को मनवा करके जो चाहते हो वो करवा लेते हो, ऐसे व्यक्ति को चीयर लीडर बोलते हैं। कि आप अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते हो कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहुत सही है। बार बार आपके सामने बार बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लोग डीमोटिवेट करेंगे, बार बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय भी आप अपने आप को जब प्रोत्साहित करते रहते हो, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो, उस सिचुएशन में इस तरह से मोटिवेट अपने आप को करना, इसी को चीयर लीडर बोलते हैं। क्लियर हुआ व्हाट द मीनिंग ऑफ चीयर लीडर? यस। अगर आप बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको अपना चीयर लीडर खुद बनना पड़ेगा, ये इस लाइन में समझाया गया है। उसके बाद बोलता है यू मस्ट डेवलप ए रूटीन ऑफ कोचिंग। रूटीन, जैसा कि मैं बताया हूं कि जब आप किसी काम को रेगुलर वे में करते हो तो उसको रूटीन बोलते हैं। अपना रूटीन, अपना जो है, आपको रेगुलर वे में अपने आप को कोचिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट डेवलप ए रूटीन, आपको एक रूटीन डेवलप करना पड़ेगा। और याद है, जिस चीज को हम बार बार रेगुलर वे में बोल करते हैं वही तो आपका हैबिट हो जाता है ना। याद कीजिए, 7 हैबिट्स में मैंने बताया था आपको कि हैबिट क्या होता है। जिस चीज को आप बार बार लगातार करते हैं वही आपका हैबिट हो जाता है। तो आपका ये कह सकते हो यू मस्ट डेवलप ए हैबिट, आपको एक हैबिट डेवलप करना चाहिए। किस चीज का? कोचिंग योर सेल्फ, अपने आप को कोच करने का, अपने आप को ट्रेन करने का। कोचिंग क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में आप लोग जानते होंगे कोचिंग क्या होता है, लेकिन वास्तव में कोचिंग का एक मीनिंग जो है बहुत डेप्थ में होता है। कोचिंग का मतलब होता है कि खुद को ट्रेन करना। जब भी किसी काम को आप करते हैं तो उस काम को बेटर वे में करने के लिए ट्रेन करना, और किसी भी काम को करने के लिए जो स्किल की जरूरत होता है उस स्किल में बार बार अपने आप को इम्प्रूव करना, किसी काम को बेटर ढंग से करना, काम को करने के लिए जो स्किल होता है उस स्किल में इम्प्रूवमेंट लाना, इसके लिए जो ट्रेंड किया जाता है अपने आप को, इसी को बोलते हैं
कि पर्सनल कोचिंग करना, पर्सनल कोचिंग देना, अपने आप से अपने आप को कोच करना, ये लाइन इसमें कहा गया है। क्लियर हुआ? इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आप का खुद का गार्जियन बनना, अपने आप का खुद मास्टर बनना, घर से दूर जाते ही या इवन घर में भी आप अपने आप का खुद से गार्जियन बनो, आप अपने आप का खुद से कोच बनो, आप अपने आप का खुद से ट्रेनर बनो। इसीलिए मैं इस लाइन को बार बार आप लोगों से कहता हूँ। क्लियर? एंड इनकरेज योर सेल्फ, और अपने आप को इनकरेज भी करना है। इनकरेज समझते हैं, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, अपने आप को उत्साहित करना है। आपको याद रखिएगा, जीवन में जब आप बहुत ही बड़े लक्ष्य की पीछा करेंगे, आप बड़े लक्ष्य की ओर जाएंगे, तो सामान्य आदमी आपको बहुत ही डिस्करेज करेगा। सामान्य जो आदमी होता है, जो कि सामान्य आदमी का दो लक्षण है, समान आदमी पेट और प्रजनन, ये याद रखिए, दो वर्ड होता है। जो समान आदमी होता है वो पेट के लिए जीता है या प्रजनन के लिए जीता है। प्रजनन का मतलब होता है जो आने वाला जेनरेशन होता है उस जेनरेशन को पैदा करना, बच्चों को, और फिर उसका देखभाल करना। और पेट, पेट और प्रजनन, इसी दो में अपने पूरे जिंदगी को निकाल देता है। इसी दोनों चीज़ों को कैसे किया जाए उसके लिए दिमाग लगाता है। इसी दोनों चीज़ों के लिए कैसे अपने मतलब ताकत को यूज किया जाए, इन दोनों चीज़ों के लिए उसमें अपना पूरा ताकत को लगा देता है। मतलब जो ताकत है, जो अपना दिमाग है, इन दोनों को पेट और प्रजनन में ही लगा देता है वो। ऐसे लोग सामान्य लोग होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 99% लोग सामान्य लोग कहलाते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी दो प्रोसेस में बीत जाता है। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप को इनकरेज करना है, किस तरह से, कि अपने आप को टॉप लेवल ऑफ गेम, जो गेम होता है उसमें जो टॉप मानव, मैंने आपको बताया था अभी हम लोग ने पर्सन्स के रूप में जन्म लिया है। पर्सन्स, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है पर्सन टू पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में जब हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दैट्स कॉल ए गेम, इज ए गेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी। इस गेम में अपने आप को टॉप लेवल का खिलाड़ी बनना है। और जब आप अपने आप को टॉप लेवल का खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो पूरे जीवन को पेट और प्रजनन से निकाल करके इससे ऊपर भी लाना चाहिए आप लोगों को। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ योर इमोशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। इमोशंस क्या होता है? इमोशंस का हिंदी होता है मनोभाव। आपका जो मन में विचार आता है, उस विचार का आपके चेहरे और आपके बॉडी पे जो एक्सप्रेशन होता है, दैट्स कॉल्ड मनोभाव। द थॉट, आपके माइंड में जो थॉट होते हैं, उन थॉट का जो एक्सप्रेशन होता है आपके फेस से या आपका बॉडी से, उसी को मनोभाव कहलाता है। इसी को दूसरे वर्ड में मूड भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है क्रोध का होना, भय का होना, प्रेम का होना, ये सारे आपके मनोभाव हैं, ये आपके इमोशंस हैं। तो कहता है मोस्ट ऑफ योर इमोशंस, या तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आर डिटरमाइंड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि आपके जो इमोशंस हैं वो डिटरमाइंड होते हैं, निर्धारित होते हैं, किस चीज से, हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ ऑन ए मिनट टू मिनट बेसिस। आप अपने आप से प्रत्येक क्षण किस तरह से बात करते हो उससे निर्धारित होता है कि आपका इमोशंस कैसा होगा। मैंने कई बार बोला है कि आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आपके कान होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अगर आप बार बार अपने मुंह से बोलते हो कि हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होना जो वर्ड है ये आपके कान से होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो इतना ताकतवर है वो उस पर फंक्शन ही नहीं करेगा, वो निगेटिव हो गया। तो आप जो अपने आप से प्रत्येक क्षण बात करते हो वह आपके इमोशंस को निर्धारित करता है कि आप पॉजिटिव हो गए या निगेटिव हो गए, इसको वो डिसाइड करता है। इसके बाद का जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट द वे दैट यू इंटरप्रेट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू दैट डिटरमाइन हाउ यू फील। इसको याद रखिएगा। कहता है आपके साथ जो होता है वह डिटरमाइन नहीं करता है, आपके साथ जो होता है उसको आप जिस तरह से इंटरप्रेट करते हो, जिस तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हो, वह चीज
आपके इमोशंस को डिटरमाइन करता है। मतलब जब शिशुपाल का वध होता है, श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि हम 100 गलतियां उसकी माफ कर देंगे। उस सीन को देखिएगा महाभारत में, अगर आप लोग देखे होंगे तो, जो शिशुपाल है वह 100 बार भगवान को अपमानित करते रहता है, लेकिन भगवान शिशुपाल के अपमानित करने से भगवान के इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान श्री कृष्ण के इमोशंस पे। मतलब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल जिस तरह से अपमानित कर रहा है उसको उस तरह से ले ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप उस बात को अपनी तरह से लेते हो, आप अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हो, आप अपनी तरह से पॉजिटिव वे में देखते हैं, इसीलिए आप अपने गुस्से को कमांड में करते हैं, गुस्से को कंट्रोल में करते हैं। इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, जो आपसे हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, वह आपके जो डिटरमाइन, आपके साथ जो हो रहा है वह आपके इमोशंस को डिटरमाइन नहीं करता है, आपके फीलिंग को डिटरमाइन नहीं करता है, बल्कि जो आपके साथ हो रहा है उसको आप कैसे लेते हो, आप उसको कैसे देखते हो, वह चीज आपके फीलिंग को, आपके इमोशंस को डिटरमाइन करता है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये इसको और क्लियर कर देता है। कहता है योर वर्जन ऑफ इवेंट्स largely determines whether these events motivate or demotivate. कोई भी जो घटना आपके साथ होता है उस घटना को आप अपने वर्जन में, वर्जन का मतलब होता है विवरण, आप जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हो, जिस तरह से लेते हो, जिस तरह से विवरण करते हो, जिस तरह से उसका व्याख्या करते हो, वह आपके इमोशंस को डिसाइड करता है कि वो आपको मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है, वह आपको इनर्जाइज करता है या डी इनर्जाइज करता है। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर एक लड़का है वो दूसरे लड़के को बदतमीजी से पेश आता है और वह दूसरा लड़का उस पर रिएक्ट कर देता है कि तुम हमको ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तो उन्होंने उसके जो बदतमीजी को इस तरह से इंटरप्रेट किया तो वह व्यक्ति जो है उसके अंदर एक क्रोध का फीलिंग आया। अब दूसरे सिचुएशन को हम बता रहे हैं, वही बच्चा जब उतना ही बदतमीजी उस दूसरे आदमी से करता है और वह दूसरा आदमी बोलता है कोई नहीं बच्चा है अभी उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, बच्चा है इसीलिए हमको बोल दिया, और वो अपने जो टेम्पर है उसको बहुत ही कूल रखा हुआ है, मतलब वो जो बच्चा उसके साथ बदतमीजी किया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, वह चीज उसके फीलिंग को, उसके इमोशंस को, उसके जो पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके साथ जो इनर्जी हो सकता है उसको डिटरमाइन किया। मतलब आप किसी चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हो वह चीज़ डिसाइड करता है कि आप मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट होंगे, इनर्जाइज होंगे या डी इनर्जाइज होंगे। अब जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ये लास्ट पैराग्राफ है इस चीज का, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अगर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, यू मस्ट रिजॉल्व टू बिकम ए कंप्लीट ऑप्टिमिस्ट, आपको कृत संकल्प करना पड़ेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा और उस निर्णय पे अडिग रहना पड़ेगा, इसी को रिजॉल्व बोलते हैं, टू बिकम, ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो कंप्लीट पूर्णतः ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो फ्यूचर पे जिनको ट्रस्ट हो, जिनको फ्यूचर को लेकर के होपफुल हो, जो फ्यूचर को लेकर के कॉन्फिडेंट हो, मतलब ट्रस्ट इन फ्यूचर, कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर, ऑप्टिमिस्ट इन फ्यूचर, ये तीनों चीज जिसको फ्यूचर को लेकर के हो वह व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट होगा, वह आदमी बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला होगा, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपनी तरह से जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने सेवन हैबिट्स में पढ़ा वहाँ पे ये भी होना चाहिए कि आपको ये कहना पड़ेगा कि आई एम द क्रिएटिव फोर्स ऑफ माई लाइफ, भविष्य में जो भी कुछ होगा उसको मैं निर्धारित करूँगा, क्योंकि आई एम द क्रिएटिव फोर्स ऑफ माई लाइफ। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव फोर्स, इट मीन्स दैट कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी चीज़ का करने और नहीं करने का हो सकता है, उसके बारे में एग्जैक्टली सोचने की क्षमता होना। जब मैं क्रिएटिव बात करता हूँ, क्रिएटिव का बात जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो
कि आपका प्लानिंग क्या होगा, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा। इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब अपने भविष्य को लेकर के आप अपना खुद का निर्धारित करते हो, तभी आप कहते हो आई एम द क्रिएटिव फोर्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई फ्यूचर, आई हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑन आवर फ्यूचर, आई हैव अ ट्रस्ट ऑन आवर फ्यूचर। ये सारे चीज़ को जब आप एक साथ मिला देते हैं तभी उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना। गॉट माय पॉइंट? ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक होना, निराशावादी होना। ठीक है, यू मस्ट डिसाइड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द वर्ड्स एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द पीपल एंड द सिचुएशन अराउंड यू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड मतलब समझते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि जो आप पे होता है उसका जो आप रिएक्शन करते हो, उसका जो जवाब देते हो, इसको रिस्पॉन्ड बोलते हैं। ये रिस्पॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्शन होता है कि बिना कोई टाइम लिए आप उसको उल्टा दिए, रिस्पॉन्ड होता है कि सोच समझ करके आप जवाब देते हो। दैट्स अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड में आप उसको जवाब तो देते हो लेकिन पूरा सोच समझ करके देते हो, पूरा प्रॉपर टाइम लेते हो, तब आप रिस्पॉन्ड करते हो। और रिएक्ट करने का मतलब हुआ जैसे सांप है, सांप पे ऐसे लाठी मारो और सांप फुफवा जाएगा, तो वो सांप जो है रिएक्ट कर रहा है, वो सांप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर किसी ने गाली दिया कि बदतमीजी किया, वो शांत चित्त होकर के सोचता है कि इसको हम जवाब दें कि न दें, और जवाब दें तो कैसे दें। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्ड। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्स। व्हाट माय पॉइंट? ये तो कहता है कि आपको रिस्पॉन्ड जो होना, डिसाइड करना है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है पॉजिटिवली। किस चीज का? कोई अगर कोई शब्द बोलता है तो उस शब्द को बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड लेना है। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी होता है शब्द से होता है, एक्शन से होता है, और दूसरे के रिएक्शन से होता है। ठीक है, तो कहता है कि आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति या कोई सिचुएशन जो वर्ड यूज करता है, जो एक्शन यूज करता है और जो रिएक्शन यूज करता है, उसको हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। ये डिसाइड कर लीजिए। व्यक्ति तो बात समझ में आ जाती है, अब हम बात करते हैं सिचुएशन का। बहुत लोग, आप लोगों को लगता होगा सिचुएशन का क्या मतलब, अराउंड यू, आपके चारों बगल जो सिचुएशन है। सपोज कीजिए आप लोग अभी तक बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के गांव के रहने वाले थे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और आप लोग जो है देश के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट पास करके पहुँच गए। जब आप क्लास में जाते हो तो पूरा माहौल इंग्लिश में है, टीचर भी इंग्लिश में बोलते हैं, पढ़ना भी इंग्लिश में होता है, लिखना भी इंग्लिश में होता है। ये एक सिचुएशन है जो बिल्कुल आपके लिए नया सिचुएशन है। इस सिचुएशन को आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है इस सिचुएशन को? कि मैं इंग्लिश ठीक कर लूँगा, मैं इंग्लिश ठीक कर लूँगी, सर कर सकते हैं, सर बोल सकते हैं तो मैं भी इंग्लिश में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, सर लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, मेरे और दोस्त इंग्लिश में बोल सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। इस तरह से जो आपने इस सिचुएशन में रिस्पॉन्स किया, ये आपने जो पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स किया, इससे आप बहुत ही आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको निगेटिव वे में रिस्पॉन्स किया, माय गॉड हम क्या करें, हम तो बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, गांव में अभी तक 10th और 12th तक हिंदी मीडियम ही पढ़े हैं, इवन ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है और सीधे देश के बेस्ट यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में इंग्लिश में आ गए हैं, तो क्या करें, परेशान हो गया, हमसे नहीं होगा, बार बार बोलता है इंग्लिश बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा ने कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन पे डाल दी, आप प्रोएक्टिव व्यक्ति हो ही नहीं रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप का खुद पे नहीं ले रहे हो, आप दूसरे पे अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हो, मेरे मम्मी पापा ने गलती किया, इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया, इसीलिए आज मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इसीलिए इस क्लास में आने के बावजूद भी हम समझ नहीं रहे हैं। इस तरह का अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, इस तरह से निगेटिव सिचुएशन को लेते हो, तो आप दिनों दिन और फेल्योर होते चले जाओगे। लेकिन आप अगर डिटरमाइन कर लिए कि आपको रिस्पॉन्ड करना है किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव वे में, तो आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है, यही कह रहा है ये। यू मस्ट रिफ्यूज टू लेट द अवॉइडेबल डिफिकल्टीज एंड सेटबैक्स ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट योर मूड और इमोशंस। ये लाइन कहता है कि यू मस्ट रिफ्यूज, आपको आवश्यक रूप से इस चीज़ को रिफ्यूज करना है, इस चीज़ को रोकना है कि जो आपके पास
अनअवॉइडेबल डिफिकल्टीज है। अनअवॉइडेबल डिफिकल्टीज का क्या मतलब होता है? ऐसी बाधाएं जिसको कि आप रोक ही नहीं सकते हो, ऐसे सेटबैक जिसको कि आप रोक ही नहीं सकते हो, ऐसे सेटबैक और ऐसे अनअवॉइडेबल जो आपका डिफिकल्टीज है, वो जो आपके डेली लाइफ में आते हैं और आपके मूड और इमोशंस को अफेक्ट करता हो निगेटिव वे में, उसको आपको रिफ्यूज करना है, उसको नकारना है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है उसको होने नहीं देना है। ये कहता है कि आप इस तरह का पर्सनैलिटी बनो, इस तरह का व्यक्ति बनो। जब मैं सेवन हैबिट्स पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था विक्टर फ्रेंकल। ये जो है हिटलर का जो कंसंट्रेशन कैंप था जिसमें कि पूरा ज्यूइस को इकट्ठा करके मार देता था, उसमें इसको भी भर्ती इसको भी वहां पे जेल में बंद कर दिया गया था और बहुत टॉर्चर करता था, बहुत मारता था इसको। ठीक है, इन्होंने ही चीज को मैकेनिज्म को डेवलप किया है। इन्होंने बताया था, बाद में अपना बुक लिखा है उसमें बताया था कि जब हमको बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था, मेरे पास दो ही उपाय था। जो मार रहा था उस पर क्या कर रहा था? एक्शन कर रहा था। और इसके पास दो ही उपाय था कि जो वो मार रहा है, एक्शन कर रहा है, ये तो उसको रिएक्ट कर सकता था। और रिएक्ट कैसे कर सकता था? ये उसको मार तो सकता नहीं था, तो ये चिल्ला चिल्ला करके रिएक्ट कर सकता था। हो बाप हो माए माए मार दिल के, ये हो गया। अगर ऐसा करता ये व्यक्ति तो ये और परेशान हो जाता। ये समझ लिया था कि हमको तो मारेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो उसको मारता था, बहुत मारता था, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करता था, ये चुपचाप पड़ा रहता था, ये रिएक्ट नहीं करता था। तो इन्होंने बोला था कि मानव का जो ग्रेटेस्ट फ्रीडम है वो ये है कि इन पे जो भी एक्शन होता है उस एक्शन का ये रिएक्शन करे या ना करे, ये फ्रीडम मानव के पास है और ये कोई छीन ही नहीं सकता है। इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है कि ये जो फ्रीडम है ये इसे कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए उतना टॉर्चर करने के बावजूद भी इसके चेहरे पे सिकन नहीं आता था, और बाद में जो टॉर्चर करता था और वहां पे जो गार्ड था वो भी इनसे बोलता था कि आप इतने खुश क्यों रहते हो। इन्होंने बोला था कि जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन आप कैसे देते हो, उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हो, वह डिटरमाइन करता है कि आप पे क्या होगा। अगर आप मुझे मार रहे हो, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर कुछ आपका कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हम बहुत चिल्लाएं, बहुत कानें, बहुत रोएं, बहुत झल्लाएं, तो उसका और ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये चीज़ जो इनका कहना था कि कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर जो एक्शन होता है उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, वह डिटरमाइन करता है कि उसका इम्पैक्ट आप पे कैसे होगा। ये इस आदमी का जो विक्टर फ्रेंकल है, ये इनके द्वारा पूरे दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। ये आज की कहानी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और बताएंगे आपको विक्टर फ्रेंकल के बारे में किसी और क्लास में, ठीक है। तो ये विक्टर फ्रेंकल, इसको बहुत मारा जाता था उसको कंसंट्रेशन कैंप में। तो ये जो आज का आपका चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है।